आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के जेठपुर गांव में खलिहान की जमीन पर पिछले 30 साल से गांव का पानी जमा होता है। इसके साथ पानी के निकासी का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल के मिले भगत से गांव के ही 3 दबंग लोगों ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अवैध कब्जे के साथ दबंगों ने निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया और इस मामले में उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं फिर से स्थानीय लोगों ने तहसील परिसर में पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर मामले में एक्शन लेने की बात कही है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन के कब्जा मुक्त ना होने पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। आज इस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं कि जो है हमारे यहाँ ग्राम जेठापुर खुर्द में तहसील पूरनपुर और जो हरीश कुमार अरविंद और जो उनके भाई हैं, उन्होंने मिलकर हमारे गाँव के जो नाले का पानी जा रहा था उनके यहाँ खलिहान में, वो अपने खेत के सामने उनके खेत के सामने आ रहा है, तो वो उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। उनके साथ जो है लेखपाल और पता नहीं कौन कौन मिलकर उन्होंने जो है उस पर अवैध कब्जा करा दिया है, और गांव वाले यहाँ जो है 15-20 दिन से आ रहे हैं और जा रहे हैं, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। वहाँ भी जाकर देख आ रहे और करना कर रहे हैं, रोकने को कह रहे हैं, और जो है वहाँ पर अपनी बिल्डिंग वो खड़ी कर रहे हैं जो कि अवैध है। वो जो अवैध कब्जा कर रहे हैं वहाँ पर, वो लेखपाल से मिला भगत में कर रहे हैं साहब। तो वो लेखपाल साहब हम कह रहे थे, कभी सुनी भी नहीं रहे, 15-20 दिन से दौड़ रहे हैं। आज एसडीएम साहब से कहा कर हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा हम खुद जाएंगे 2 बजे के बाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पीलीभीत से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमन, दबंगों ने ये जो है जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, क्या कुछ एक्शन लेने का आश्वासन दिया है एसडीएम ने? पुर खलियान में की जमीन जो पिछले 30 साल से गांव के पानी में जमा होती थी, जिसके अतिरिक्त तो दूसरा साधन भी नहीं था। क्षेत्रीय ग्रामीण के आरोप है कि लेखपाल की मिली भगत से गांव के 3 दबंग लोगों ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसके बाद में कब्जा मुक्त कराने के लिए जो सचिव लेखपाल को बताया था, लेकिन अभी तक लेखपाल की मिली भगत से कब्जा मुक्त नहीं हो पाया। ठीक है अमित, ये कब्जा मुक्त तो नहीं हो पाई है जमीन, इस दौरान जो कितने ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है एसडीएम को? जी, जो जेठापुर का एक ग्रामीण है, जो व्यक्ति जो उसने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जो 3 लोगों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है, उसने कहा 3 दबंग लोग जो गांव के ही रहने वाले है, उन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसके बाद में लेखपाल को रुपए खिला करके अपनी साइड में करने के बाद में जिसको लेखपाल की उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा, जिसके बाद में लेखपाल के सही समिति से अवैध कब्जा के रूप में अवैध जमीन जोत रहे हैं। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आज ग्रामीणों को एसडीएम ऑफिस तक पहुंचना पड़ा, तो जमीन पर कब्जा होने से किस तरीके से जो ग्रामीण है वो परेशान नजर आ रहे थे? जैसे कि दबंग लोगों की दबंगई से अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, उसके परेशानी क्योंकि ये गरीब लोग हैं, उसके बाद में ये कहीं से जाते नहीं है, और दबंग लोग अपनी जो है दबंगई से अब कब्जा किए पड़े हैं, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन उसका कोई अभी तक निर्णय नहीं निकला है, क्योंकि लेखपाल इसमें सहमति मिली हुई है। बिल्कुल, धन्यवाद अमित हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। खबर बाराबंकी से है, जहां अलग अलग थानों में चोरियों का रामनगर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस टीम ने शातिर 10 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, और चोरों के पास से पुलिस ने चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात के साथ लाखों रुपए और तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सभी शातिर चोर राजस्थान के अलग अलग जिले के रहने वाले हैं, और शातिर के खिलाफ रामनगर थाने में कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, और अब आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। चोरी करने वाला एक बहुत बड़ा आपराधिक बंजारों का गैंग है, और ये लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, जो बूंदी जनपद के, और वहाँ पे इनके ऊपर कई इस तरह के चोरी के मुकदमे लिखे भी हैं पहले के, और इनके पास से काफ़ी मात्रा में
ऐसे जो ताला तोड़ने का और ऐसे औजार बरामद हुए हैं जिनके माध्यम से ये छतों पे चढ़ करके और अंदर जा करके गेट को तोड़ना, ताले तोड़ना, बक्सों के लॉक धीरे से तोड़ देना, और वो इतने सिस्टमेटिक इनके ये औजार हैं कि उसमें बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग तो सोचते हैं कि वो राड या उस किसी चीज़ से करेंगे, बट इनके जो राड या तोड़ने वाले वो हैं उसमें बहुत कम ताकत लगाने पे अच्छे से अच्छा ताला भी जो है बहुत आसानी से टूट जाए, ऐसा इनके पास औजार है। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर कली नगर मार्ग से खातागा होते हुए अमरैया कला तक 2.3 किलोमीटर यानी कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक सड़क की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को करीब 63.83 लाख करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ था। सड़क बनने का काम मार्च में शुरू हुआ था और उसी महीने में काम को पूरा होना था, लेकिन लापरवाही की वजह से सड़क का निर्माण काम तक नहीं पूरा हो सका और टेंडर निकलने के बाद से ही जल्दबाजी में सड़क को अधूरा ही छोड़ दिया गया। सड़क पर फैले पड़े पत्थर अब लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। वहीं ठेकेदार की घोर मनमानी को लेकर ग्रामीणों में अब जो आक्रोश है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अधूरे पड़े मार्ग को पूरा कराने के लिए ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं, वो भी गिर रहे हैं। इसकी कोई शिकायत की आप लोगों ने? पहले की थी, वो भी लिख चुका है अखबार में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। रोड की समस्या है, जहाँ जलभराव पहले था वहाँ अब भी जलभराव, ना तो मानक के अनुसार पत्थर पड़ा है और ना कोई मरम्मत, और नालियों की भी मरम्मत नहीं। नालियों का पानी चौक है और नालियों का पानी रोड पर निकल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, ये ठेकेदारों के खिलाफ ग्रामीणों ने जो प्रदर्शन किया है, इसकी वजह क्या कुछ बताई गई है? बताते चले कि एक गांव है अमरैया कला, जहां पर 2.5 किलोमीटर की सड़क बननी थी, जिसका रुपए 63 लाख रुपए का बजट जारी हुआ था, जिसको 31 मार्च तक पूर्ण करना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के चलते अभी तक रोड का निर्माण नहीं कराया गया, जिसकी वजह से पत्थर जो ग्रामीण लोग निकलते हैं, बैठते हैं, अपना कार्य करते हैं, उसमें आने जाने में दिक्कत होती है, और ठेकेदार ने बजट पास करवा करके जो भाग गया है, जो आरोप लगाया है कि जो ठेकेदार है उसने बजट फाइनल करके अपना पूरा पेमेंट निकाल करके जो भाग गया है, और जिसके बाद में अधूरी सड़क को ऐसे ही छोड़ दिया जर्जर अवस्था में, और पत्थर होने की वजह से लोग अपने आने जाने मार्ग पे उन्हें दिक्कत होने देखने को मिलती है। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से हम सड़क को देख पा रहे हैं, सड़क की हालत जो है वो बहुत ही खराब स्थिति में है, तो इस मामले को लेकर जब ग्रामीणों ने अब डीएम को ज्ञापन सौंपा है, तो डीएम ने क्या कुछ आश्वासन दिया है ग्रामीणों को? अब जी हमको बताते चले कि जो ठेकेदार के घोर मनमानी चल रही है, अब ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जिला अधिकारी ने कानूनी कार्रवाई करने आश्वासन दिया है, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है और ग्रामीणों को जो है न्याय मिलता है या नहीं। ये जर्जर अवस्था सड़क पे ऐसे ही गुजरते रहेंगे और अपनी परेशानियों से जूझते रहेंगे, ये आगे देखना होगा कि डीएम की कार्रवाई का क्या होता है। बिल्कुल अमित, आगे आने वाले कुछ महीनों में बरसात का मौसम भी आ जाएगा, तो क्या ग्रामीणों को उम्मीद है कि बारिश के मौसम के आने से पहले ये सड़क का जो निर्माण है वो पूरा हो जाएगा? जी, हमको बताते चले कि अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो ठेकेदार ने 63 लाख रुपए निकल के जो बजट को पास करा दिया है, उसको वो तो भाग गया है, जिसके बाद में देखा जाता है कि डीएम जी से शिकायत की है, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई की जाती है ये तो देखने की आगे होगी, क्योंकि जो बारिश का महीना है वो चालू होने वाला है, हमें तो लगता नहीं है कि ये अब पूर्ण हो पाएगा। ठीक है, अभी जिस तरीके से जो ठेकेदार है उसने ऑन पेपर्स तो ये दिखा दिया कि जो सड़क है वो बन चुकी है, तो क्या उसके बाद कोई अधिकारी इस गांव में ये चेक करने नहीं पहुंचा कि वाकई में सड़क बनी है कि नहीं बनी है? ये इस जानकारी ग्रामीणों से जानकारी ली तो ग्रामीणों ने बताया है कि अभी तक ऐसा कोई अधिकारी नहीं आया सड़क चेक करने के लिए, अगर कोई अधिकारी पास करने के लिए आता तो इस प्रकार की यहाँ पर नौबत नहीं आती, क्योंकि अगर देखा जाए 63 लाख रुपए कोई कम रकम नहीं होती है, जो ठेकेदार ने अधिकारियों से ही पास करवाई होगी, जिसके बावजूद भी ठेकेदार जो रकम पास करा के जो निकल गया है, इसके बाद अभी तक कोई जानकारी नहीं लगी और डीएमजी से शिकायत की, इसके बाद में देखना ये होगा कि अभी तक आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या नतीजे निकलते हैं, क्योंकि अभी बारिश का महीना भी चालू होने वाला है
और आगे मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद अमित इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अब खबर रायबरेली से है, जहां देवपुरी गांव के ग्रामीण ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को पत्र भेजा है। दरअसल देवपुरी गांव के रहने वाले राजेश कुमार की मांग है और लोगों को अब ये मांग काफी अटपटी लग रही है। राज्यपाल को सौंपे गए पत्र में युवक ने मांग की है कि उसे 1.5 करोड़ रुपए व्यापार के लिए दुकान और शादी के लिए दुल्हन चाहिए। इस मामले में जांच के लिए डिप्टी कमिश्नर SDO कोऑपरेटिव के साथ अपनी टीम को लेकर देवपुरी गांव पहुंची। वहीं गांव में जब युवक नहीं मिला तो टीम उसे ढूंढती हुई रेलवे क्रॉसिंग लालगंज रोड पर पहुंची, जहां टीम की मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं मिली है और बाद में डिप्टी कमिश्नर CHC से डॉक्टर की टीम लेकर उसके गाँव दोबारा गए। डिप्टी कमिश्नर जनार्दन सिंह ने बताया कि अभी भी मामले में जाँच लगातार चल रही है। मैं जनार्दन सिंह डिप्टी कमिश्नर हूँ, यहाँ डिप्टी कमिश्नर एनआरएलएम हूँ, और इस गांव में आया था श्री राजेश चौधरी जी माननीय राज्यपाल महोदय को अपनी कुछ मांगों को लेकर के कोई शिकायत किए थे, तो उसकी जांच हमें मिली थी, उसी के संबंध में आया हूँ। साथ में ब्लॉक से हमारे साथ रेडियो का बेटी PSC के डॉक्टर साहब, ये लोग भी साथ थे। पहले हमारी इनकी मुलाकात, मैं गांव पर आया तो पता चला ये वहाँ है बछरावा में, तो मैं बछरावा में गया, वहाँ रेलवे फाटक के पास मेरी मुलाकात इनसे हुई। इनसे हमने कुछ पूछताछ की तो उन्होंने कहा हमारे गांव पर आइए, तो मुझे ये लगा कि इनकी बातें और चीज़ें लग करके ऐसा लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, तो हमने डॉक्टर साहब को भी साथ में ले लिया। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां बाइक और स्कूटी चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जी हां, पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान 3 व्यक्ति स्कूटी पर सवार सामने से आते दिखे, जिनको रोकने का इशारा किया गया, लेकिन स्कूटी सवार गाड़ी घुमाकर भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पीछा करते हुए आखिरकार तीनों को पकड़ लिया। और पुलिस ने पूछताछ में चोरों ने बताया कि ये लोग काफी समय से दिल्ली NCR में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए गाजियाबाद कमिश्नरेट के अभियान के तहत इंदिरापुरम थाने के अंतर्गत नीतिखंड चौकी में दिनांक 20 और 21 की रात्रि में चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान हमें 2 मोटरसाइकिलों पर 3 युवक आते हुए दिखाई दिए, जो कि संदिग्ध दिख रहे थे। उनको जब रुकने का इशारा किया गया तो भागने लगे, हल्के चेस के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। तो वहीं रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते नशे में धुत व्यक्ति ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच आरोपी ने अपनी भाभी पर भी जानलेवा हमला किया और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए टीम का गठन कर दिया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पे मामला हुआ है, जबरदस्ती उठा करके मारा है, दाऊ कल्लू ने मारा है, और कल्लू पत्नी थी हरिराम और हरिश्चंद दुर्गा देवी हैं, ये सब लोग मारा है। जब हमने बचाया तो हमारे भी मार दिया, उसके बाद उसको उधर मारा, फिर इधर मारा, मार मार के सब भाग गए। सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भक्ताखेड़ा गाँव में देश राज उम्र लगभग 40 वर्ष की उसके 2 सगे भाइयों हरिश्चंद एवं हरिराम पुत्रगण शोभा एवं गांव के ही कल्लू पुत्र नंदलाल एवं रानी पत्नी कल्लू ने शराब के पीने के बाद गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट किया, जिसमें देशराज की मृत्यु हो गई। यह भी बात प्रकाश में आई है कि मृतक के भाई हरिश्चंद की बेटी की शादी थी, जिसमें विपक्षी गणों द्वारा उसे नहीं बुलाया था, जिसे नाराज चल रहा था। इसी बात को लेकर के आपस में बहसबाजी हुई और मारपीट हुई, जिसमें देशराज की मृत्यु हो गई। मृतक के इसी दौरान मृतक का सगा भाई हरिचंद करीब 50 वर्ष, वह भी घायल हुआ था, जिसके इलाज जिला चिकित्सालय भिजवा दिया गया है। मौके पर क्षेत्राधिकारी लालगंज एवं SHO सरेनी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लाइन आर्डर की कोई समस्या नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।